जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैंटोनमेंट बोर्ड अंबाला सफाई वाला ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर पाओगे, या फिर कह लीजिए कि आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कब से फिलअप कर पाओगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जो कि इसकी लेटेस्ट जानकारी होने वाली है। पर दोस्तों उसके पहले मैं यहाँ पर आपसे जो आपका एक जीके का क्वेश्चन है वो शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आप सब जानते कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट करके रखी है जिसमें कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में एक जीके का क्वेश्चन पूछता हूं और जो दो कैंडिडेट सबसे पहले उसका राइट आंसर देते हैं उनको मैं 50-50 रुपए का पेटीएम करता हूं। बट ये पेटीएम आपको तब मिलेगा जब आप लगातार 10 वीडियो के ऊपर आंसर करते हो। बाकी की 9 वीडियो के ऊपर आप आंसर सबसे पहले करते हो या फिर नहीं करते हो वो मैटर नहीं करता, बट आपको उनके ऊपर भी आंसर करना होता है अपनी अवेलेबिलिटी चैनल के ऊपर दिखाने के लिए। तो चलिए यहां पर जो आपका आज का सवाल है वो देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूं। तो आपका जो आज का सवाल है यह है आपका, निम्नलिखित भारतीयों में से किसने मोटरसाइकिल पर विश्व भ्रमण किया था, यानी कि जो वर्ल्ड टूर है वो किया था। तो आपका ऑप्शन ए है शिवनाथ मजुमदार, ऑप्शन बी है कर्नल जतिंदर कुमार बजाज, ऑप्शन सी है भारद्वाज दयाला और ऑप्शन डी है जगन्नाथन श्रीनिवास रघुवन। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आपको लगता है इसका राइट आंसर है वो आपको कमेंट के माध्यम से बता देना है और साथ ही आपको वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपकी मेन जानकारी के ऊपर जो कि है अम्बाला के फॉर्म फिलअप के बारे में, यानी कि सफाई वाला के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो यहाँ पर जैसे कि आप वीडियो में वेबसाइट देख पा रहे हो, ये आपकी कैंटोनमेंट बोर्ड अम्बाला की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर जैसे ही आप करियर एंड करंट ओपनिंग के अंदर आते हो तो आप यहां पर देखोगे कि रिसेंटली एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कि आपको बताया जा रहा है पोस्टपोनिंग ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर दी पोस्ट ऑफ सफाई वाला। बेसिकली यहां पर जो आपके फॉर्म फिलअप 1 अप्रैल से स्टार्ट होने थे वो अब पोस्टपोन कर दिए गए हैं और ये किसकी वजह से हुए आप सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, जो कि है आपका कोरोना वायरस। इसकी वजह से बहुत सारे एग्जाम रद्द कर दिए हैं, बहुत सारी भर्तियां रद्द कर दी है और इसकी चपेट में ये आपकी कैंटोनमेंट बोर्ड की भर्ती भी आ गई, यानी कि इसकी वजह से ये भी रद्द हो गई। अभी जानकारी मैं इसलिए आपको दे रहा हूं क्योंकि मैं वैसे तो अन्य वीडियो में बता चुका हूं कि इस भर्ती को पोस्टपोन हुए कई दिन हो चुके हैं, बट मेरे पास लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक इसके बारे में आपको डिटेल्ड में जानकारी देकर के बता दिया जाए कि आपकी भर्ती रद्द हो चुकी है, सॉरी रद्द नहीं, आपकी भर्ती पोस्टपोन हो चुकी है। बट यहां पर अभी सवाल ये कि अब आप लोग इसके फॉर्म फिलअप कब से भर पाओगे। तो जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया इसमें आप यहां पर देख सकते हो, ये आपका नोटिफिकेशन है, इसमें इन्होंने आपको बताया कि जैसे ही सही समय आएगा तो आपको फॉर्म फिलअप की स्टार्ट डेट और अंतिम तिथि दे दी जाएगी। बट वो सही समय मेरे अकॉर्डिंग जो आने वाला है वो अगर आपका जो लॉकडाउन लगा हुआ है 14 अप्रैल तक का, अगर ये 14 अप्रैल को खत्म हो जाता है तो आपको मे बी 17 या 18 अप्रैल के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए और आप लोग इसमें 20 अप्रैल से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दो। बट अगर ये लॉकडाउन खत्म 14 अप्रैल को नहीं होता तो फिर आपको अभी काफी वेट करना होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। तो बेसिकली आपका फॉर्म अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो आपका 20 अप्रैल से शुरू हो सकता है। यहां पर अगर आपने अभी तक इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को नहीं देखा तो आप देख लीजिए, ये एक परमानेंट भर्ती है जिसके अंदर 74 पद निकाले हैं, एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल के बीच है और अगर आप पढ़े लिखे हो चाहे आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें आवेदन कर पाओगे, इसमें आपसे जरूरी रूप से कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जो आपको देनी है वो आप देख सकते हो और इसमें आप यहाँ पर ये भी चेक कर पा रहे हो कि आपके जो फॉर्म फिलअप है वो पहले कब तय किए गए थे। तो यहाँ पर आपको पहले फॉर्म भरना था 1 अप्रैल को, बट जो कि अभी कैंसिल हो गया यानी कि पोस्टपोन हो गया और अब आपको जो मैंने बताया इस डेट में मे बी फॉर्म फिलअप कैसे भरना है ये देखने को मिल जाए। और जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके फॉर्म फिलअप की वीडियो सबसे पहले लेकर के आने वाला हूं। सबसे पहले का मतलब है कि सबसे पहले जैसे लिंक एक्टिवेट होगा उसके कुछ समय बाद आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते कि ये भर्ती आपसे मिस ना हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद दोस्तों।